सो so यस्टरडे हमने जाना था बुद्धा के बारे में कुछ बेसिक्स जाने थे कि वो किस दिसवरना से है उनका नाम क्या था उनके फादर का नाम क्या था उनकी मदर का नाम क्या था उनकी बीवी का नाम क्या था उनके बेटे का नाम क्या था एंड आफ्टर दैट वी डिस्कवर्ड हाउ ही लेफ्ट इज़ होम एंड बिकेम अ परिव्रजक दैट मीन्स होमलेस वंडर फिर उनको एक टीचर मिला था दैट वॉज अल कलाम फिर वहाँ से भी वो आगे बढ़े थे और फिर जाके उनको क्या मिला था निर्वाणा कहाँ पर कहाँ पर मिला था क्या क्या जिसका असल में में नाम था था मिला था तो पे के उनको मिला मिला निर्वाणा उन्होंने दिए uh, जो वही है है तो उसको किया जा सकता है, and path. पर उन्हें खुद दिया एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म जिसको कहते हैं अस्तंग का मार्ग तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है फोर एटी थ्री बी सी में कहाँ पे खुशीनगर ठीक है जब उनकी डेथ हो जाती है जो फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा थे उस टाइम पे वो उस टाइम पे रिक्वेस्ट करते हैं द किंग एट दैट टाइम वाज आजाद कौन थे ये कौन सी डायनास्टी से थे कौन सी डायनास्टी से थे डायनास्टी ना ना मैंने आपसे बोला था कि द महाजनपद ऑफ मगध वहाँ पे कौन कौन सी डायनास्टीज रूल कर रहे थे फर्स्ट वॉज हारियंका डायनास्टी सेकेंड वॉज द शिशुनाग्स थर्ड वेयर द दंदास एंड फोर्थ वेयर द मौर्यास तो जो ये हरियंका डायनास्टी थी ठीक है इसके जो सेकेंड रूलर थे ही वॉज नॉट फर्स्ट बिकॉज इट वॉज फाउंडेड पर्सन एंड ही वॉज आजाद शत्रु वॉज सन ऑफ द फाउंडर ऑफ हरियाणा डायनास्टी तो इस टाइम पे कंटेम्प्री रूलर यही थे जब बुद्धा की डेथ हो जाती है फोर एटी में तो जो फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा थे वो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन किया जाए जहाँ पे हम सब बुद्धिस्ट लोग मिले एक मीटिंग की जाए और इन्होंने एक्सेप्ट किया वो चीज़ एंड ही गेव पैटर्नाइजेशन टू द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल दैट मीन्स एक मीटिंग बुलाई गई जहाँ पे सब जो इनके रिलीजियस लीडर्स थे या जो सिग्निफिकेंट पर्सनस थे इनके उन सबको बुलाया गया और एक टाइप ऑफ मीटिंग थी दैट इज कॉल्ड एस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल तो पैटर्निज मिली थी किनकी आजाद क्षेत्रों की ठीक है एंड इस मीटिंग को प्रेजाइड किया था यू कैन से जो प्रेसिडेंट थे इसके इट वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्ग जिनका नाम था महाकश्यप, प्रेजाइडेड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ठीक है सबसे पहले पैटर्नाइजेशन किस, किसकी मिली आजाद क्षेत्रों की जो किंग किसका था हरियंका डायनास्टी का एंड इट वाज प्रोजाइडेड बाय महाकश्यप जो प्रीस था किसका बुद्धिज्म का अभी हुआ कहा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुआ था राजगृह राज, ग्रिहा. राज... ग्रिहा. ठीक है ये भी था वहीं पे जो मगध के महाजनपद था उसके अंदर एक जगह थी राजगृह जहां पर यह काउंसिल हो गया था और हुआ कब था इन द ईयर ऑफ जब बुद्ध की डेथ हो गई थी इन द सेम ईयर फोर बीसी में फर्स्ट बुद्धिस काउंसिल हो जाती है जिसको पैटर्नाइजेशन मिली किसकी आजाद क्षेत्रों की वॉज फ्रॉम हरियंका डायनास्टी और इस बुद्धिस काउंसिल को प्रेजाइड कौन करता है महाकश्यप वॉज अ प्रीस्ट ऑफ बुद्धिज्म ठीक है एंड होती कहाँ पे राज ग्रह में होती है लिखे पहले इतना <coughs> दीजिए बुद्धिस्ट काउंसिल्स एंड देन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल क्योंकि चार हो गए थे काउंसिल्स जो मीटिंग्स होगी थी गई थी मेजर मीटिंग्स सो इट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसमें फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा पर स्वेदिड पर स्वेदिड पर स्वेडिड क्या होता है मनाना ठीक है उन्होंने मनाया किसको द किंग कौन थे आजाद क्षेत्रोवर्स ऑफ बुद्धा पर स्वेडिड कंटेप्ररी किंग कंटेप्ररी किंग पर स्वेडिड कंटेप्ररी किंग azad shatru contemporary king azad shatru contemporary king azad shatru to convene first buddhist council to convene to convene first buddhist council नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू पैट्रनेज ऑफ ड्यू टू पैटर्नेज ऑफ ड्यू टू पैट्रनेज ऑफ आजाद शत्रु ड्यू टू पैट्रनेज ऑफ आजाद शत्रु ड्यू टू पैटर्नेज ऑफ आजाद शत्रु फर्स्ट बुद्धिस्ट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यू टू पैट्रनेज ऑफ आजाद शत्रु फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल was convened at was convened at was convened at rajgriha was convened at rajgriha rajgriha written on the board rajgriha in 483 bc in 483 bc In 403 BC, which was presided by, which was presided by, which was presided by Buddhist monk, Buddhist monk, presided by Buddhist monk, Maha Mahakashyap. महाकश्य समझ के इतना अब आ, कुछ एक दो साल पहले यूपीएससी अब कैसे या के एस एग्जामिनेशन वो कैसे इस, दिस डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ाते ये तो सबको पता है जो भी पढ़ते हैं बुद्धिज्म के बारे में इतनी नॉलेज सबको जिनने पढ़ा होता है सीरियसली ऐसा नहीं जैसे मैं पूछ रहा हूँ किसी को निकलता नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं अब कैसे वो चेंज कर रहे नेचर ऑफ क्वेश्चन आई टोल्ड यू दैट दे आर लिंकिंग दिस्ट्री एंड द आर्ट एंड कल्चर विथ जियोग्राफी ठीक है सो क्वेश्चन वॉज आस्ट रिलेटेड टू जियोग्राफी देयर आर सम केव्स जहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसल हो गया था जिसपे फोकस नहीं जाता था किसी का लेकिन फ्राम लास्ट टू ईयर्स फोकस अब ज्यादा जियोग्राफी पे है uh, as कंसर्न uh, to this uh, art and culture and history. So they asked question wahan pe caves का नाम mention किया गया था कि इन caves में ये Buddhist council हुआ था और नाम दिया था केव का सुना नहीं था ऐसे किसी में ठीक है उसके बाद जब क्वेश्चन आया फिर ये फोकस में आया कि कौन से है वहां पे जहां पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया था और उनके नाम है सत्ता पानी ठीक है आप खुद ऐड करिए कहीं पे जहां पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया था वहां पे कौन से केव्स है सत्तापानी केव्स राजग्रह वहां पर सत्तापनी पे फर्स्ट बुद्धिस काउंसिल कन्वीन किया गया था अंडर द पैटरनाइजेशन ऑफ आजाद क्षेत्र एंड अंडर द आजादीशिप ऑफ महाकश्यप अ ठीक है अब यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट क्या हुए थे कन्वीन तो हो गया ठीक है मिले सब लोग मीटिंग अब हो रही है तो किस लिए हो रही थी मीटिंग यहाँ पे कुछ बुक्स कंपाइल की गई ठीक है बुक्स लाइक एक बुक थी जो ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा थी जो खुद अपने मुंह से बोली थी टीचिंग्स उन टीचिंग्स को कंपाइल किया गया एक बुक में एंड दैट बुक वॉज नोन एज सुत्ता पिता का